नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल भानुशाली और आज हम बात करेंगे नेक पेन के विषय में। कई बार ऐसा होता है, आप सुबह जब सो के उठते हो तो यहाँ पर पेन महसूस होता है, एक स्टिफनेस महसूस कर होता है, या हमारी जो गर्दन है ये इस तरह से मूवमेंट करने में दिक्कतें आती है, और जैसे जैसे दिन बीतते जाता है वैसे वैसे ये पेन और स्टिफनेस धीरे धीरे कम कम होना शुरू हो जाता है। अगर ये आप महसूस कर रहे हैं या ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि रात को सोते समय आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं। इस पानी को आपको पीना बंद करना चाहिए। साथ ही साथ रात का जो खाना है वो हल्का होना चाहिए, क्योंकि अजीर्ण के कारण आम की उत्पत्ति होती है और उसके कारण ये स्टिफनेस आपको महसूस हो सकती है। नंबर वन। नंबर टू है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये जो बीमारी है ये हमारे स्पाइन का जो कर्वेचर है उसका जो एक प्रॉपर शेप है वो डिस्टर्ब होने के कारण जो वहां से जो नसें निकलती है, नर्व्स निकलती है, उन पर प्रेशर आता है और उसके कारण ये पेन होता है। उसके साथ साथ हाथ में अगर मान लो मूंगी आती है, झुंझुनाहट होती है या हाथ भारी महसूस होता है, तो इसका ये कारण है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो मुख्य कारण है, ये किस कारणों से होता है, उसमें सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि जो हमारा हेड है ये 30% ऑफ हमारे बॉडी वेट को कंट्रीब्यूट करता है, और ये हमारे जो स्पाइन है, जो हड्डियां है, इस पर ये पूरी तरह से टिका हुआ होता है और यहाँ के मसल्स उसको सपोर्ट करते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप खड़े हो, बैठे हो, ये पोजीशन जो ईयर की है आपके शोल्डर के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा ऑक्यूपेशन है या फिर हमारी जो आजकल की आदत है उससे हमारा जो सर जो है इस तरह से हमारा झुका हुआ सर रहता है ये पोजीशन में। मान लो हम झुककर मोबाइल पे कुछ काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे, ये पोजीशन में अगर हम काम कर रहे हैं, या फिर जो हमारी माता बहन है जो किचन वर्क कर रही है, इस तरह नीचे झुककर सब्जियां काटना या फिर रोटियां बनाना बहुत देर तक, इससे जो हमारे ये मसल्स है इन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है और उसके कारण ये तकलीफ होनी शुरू होती है। तो आपको ये पोस्चर करेक्ट करना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे हमेशा ये शोल्डर और ईयर इसका एक प्रॉपर लेवल में ये होनी चाहिए, इस तरह से आगे नहीं होना चाहिए हेड, बैकवर्ड एंड अपवर्ड ये पोजीशन में हमको बैठना है या इसी पोजीशन में हमारे सर को मेंटेन रखना है। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप ध्यान देंगे तो वो नेक एक्सरसाइजेस है, वो आप रोजाना उसका प्रैक्टिस करिए जिससे जो हमारे मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे। हल्के हाथ से महानारायण तेल, सहचरादि तेल या अन्य नॉर्मल तिल तेल से भी आप हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं और इसको गर्म पानी से सेक सकते हैं, इससे भी आपको काफी राहत मिल सकती है। दूसरी एक उसकी वजह है कि जो हमारी हड्डियां है स्पाइन की, उनमें डीजनरेशन आता है और इसका मुख्यतः कारण है कि एजिंग प्रोसेस का ये एक भाग है। इसमें जैसे मैंने आपको आर्थराइटिस के समय बताया था, गोंद जो हमें कोई भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा उस गोंद को लेकर, जिसको डिंक कहते हैं, उसको आप थोड़े से गाय के घी में डालकर फ्राई कर लीजिए तो वो फूल जाएगा, और ऐसा फूला हुआ गोंद अगर आप दूध के साथ सेवन करते हैं तो ये जो डिजनरेशन हो रहा है वो रुक जाएगा और उसके कारण जो होने वाला पेन है वो भी कम हो जाएगा। तीसरी बात इसमें जो कारण है वो है कि आपके लीवर में अगर कोई तकलीफ है या लीवर में कुछ इरिटेशन है या आपके गॉल ब्लैडर में अगर कुछ इरिटेशन है तो उसका रिफर्ड पेन भी आपके नेक में जाता है। अभी लीवर किस किन चीजों से इरिटेट हो सकता है, तो यस, सबसे पहले है अल्कोहल, दूसरा है जो सिंगदाना, काजू जैसे जो ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं,
जिसमें से तेल निकलता है, ऐसे जो ड्राई फ्रूट्स है, स्पेसिफिकली सिंगदाना और काजू, इससे हमारा गॉल ब्लैडर और लीवर इरिटेट होता है और वो इरिटेशन के कारण यहाँ का रेफर्ड पेन नेक में होते रहता है। तो अगर ऐसी अगर कोई बात है तो आपको उनका सेवन करना बंद कर देना चाहिए। एक और चीज है कि जिनको हमेशा सर्दी बनी रहती है, साइनोसाइटिस की तकलीफ है, इनमें भी जो यहाँ के जो हमारे नेक के मसल्स है वो आकर के यहाँ पर इस तरह से उनका अटैचमेंट्स रहता है, तो जब हमें सर्दी हमेशा होते रहती है तो यहाँ के मसल्स जो है वो इन्फ्लेम्ड होते हैं और उसका प्रेशर होता है कि हमारे नेक में खिंचाव आता है। तो ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस अगर हमको है, आपको है, तो इसकी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। इसमें नस्य नामक ट्रीटमेंट की जाती है जिससे जो ब्लॉक्ड कफ है, जो सूख गया हुआ कफ है, उसको लिक्विफाई करके हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये ट्रीटमेंट होती है। इसमें एक और चीज करने लायक है, जो सौंठ की पाउडर और वेखंड जिसे वचा कहते हैं, इसकी पाउडर का अगर हम सर पे लेप लगाते हैं तो ये साइनोसाइटिस की तकलीफ हमारी कम हो जाएगी और उसके कारण होने वाला जो नेक पेन है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण इसमें है, जो कि है कि स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस में हो या फिर हमेशा हम अपसेट हो तो इसके कारण भी नेक पेन हो सकता है। वो कैसे मैं बताता हूँ। जो भी हमारे फेस के मसल्स है, जब भी हम उदास होते हैं या एंगर में है या स्ट्रेस में है तो इनमें तनाव आता है और ये तनाव जो है कि हमारे बैक के जो मसल्स को पुल करते रहता है, हमेशा पुल करता है और उसके कारण जो हमारे नेक में पेन होते रहता है। जब आप स्माइल करते हैं, इस तरह से अगर आप स्माइल करते हैं, आप हैप्पी है, तो ये सारे जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं और इसके कारण कोई भी प्रेशर यहाँ पर नहीं बनता है और ये पेन नहीं होता है। तो ये थी नेक पेन के विषय में कुछ जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको काफी लाभ होगा, इसको आप प्रैक्टिस में उपयोग करिए और अगर आपको ये शिकायत है तो निश्चित ये उपायों को करने से आपको लाभ होगा। आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।